समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मरीज के करीबी होने का दावा करने वाले परिजन भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में बेसहाराओं के लिए कार्यरत हित ज्योति फाउंडेशन के इंसानियत दिखा रही है। समाज में ऐसी भी कुछ गिने चुने संस्थाएं और ऐसे लोग भी हैं जो शव उठाने, अंतिम संस्कार करने अपना कर्तव्य निभाते हैं और अंतिम समय में भी अपने कर्तव्य पर खड़े उतरते हैं। मेडिकल कॉलेज नागपुर में इलाज के दौरान रेखा वागड़े की मौत हो गई है। ज्योति आधार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हितेश दादा बंसोड़ ने मृतक के अंतिम संस्कार दफनाने में पहल की। मृतक रेखा वाघाड़े पिछले 6 दिनों से मेडिकल हॉस्पिटल नागपुर में इलाज के लिए भर्ती थी। पीड़िता को सड़क से उठाकर मेडिकल में भर्ती कराना, शीघ्र उपचार मिले इसके लिए प्रयास करना और यहाँ तक कि उसके इलाज के लिए दानदाताओं से धन संग्रह करना आदि पहल समाज सेवी हितेश बंसोड़ ने की। सावनेर के राम गणेश गडकरी शमशान भूमि में मृतक रेखा का अंतिम संस्कार किया गया। रेखा कचरा इकट्ठा करके अपने परिवार की देखभाल करती थी। उनकी एक 12 साल की बेटी है जो अभी संक्रमण से पीड़ित है। हित ज्योति फाउंडेशन ने आम जनता से अपील की है कि वह आगे आए, बिना किसी डर के अंतिम संस्कार करे। अगर आपसे नहीं होता तो हित ज्योति फाउंडेशन से संपर्क करे। इस मौके पर मृतक रेखा की बेटी और पति सहित हित ज्योति आधा फाउंडेशन के सदस्य बंटी महाले, राजा फूले, आकाश कुंभलकर आदि मौजूद थे। भैया ने और उसके दोस्तों ने हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिलिया और पंडू हुआ था, उनने बहुत मदद की है हमारे। सामनेर से NBCN न्यूज के लिए किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।